अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोगों की दुआओं से हम सब भी ठीक है। तो आज हम मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कलीजी चिली की रेसिपी, कलीजी फ्राई, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ रमज़ान स्पेशल। आप इसको इफ्तारी में भी मतलब बना सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको बॉयल कर रही हूँ, हल्दी नमक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमें इसे उबाल लेना है अच्छी तरह से। तो उबाल गई है हमारी कलीजी, सॉरी। तो फिर अब हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ी सी सीटी इसमें बची थी तो मैं वो निकाल ले रही हूँ, हवा जो इसके अंदर बची थी। इसके बाद मैं इसको रख लेती हूँ साइड में, और एक तवा रख लेंगे हम गैस के ऊपर। तवे को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। एक प्लेट में मैंने जो है थोड़ा सा गर्म मसाला निकाल लिया, 3-4 इलायची, 4-5 काली मिर्च, लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा चक्री फूल, ये मैंने निकाल लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुकर की हवा निकल चुकी है, और मैंने यहाँ पर कलीजी को देख लिया, चेक कर लिया अच्छी तरह से गल चुकी है माशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, तवे का पानी पहले सूखने देंगे, पूरा तवे को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और मैंने एक साइड में शिमला मिर्च और हरी मिर्ची को जो है कट करके छोटे छोटे पीसेस में रख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तवे पर जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास चिकन का फ्राई किया हुआ ऑयल था, तो मैं वही ऑयल जो है यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा ऐड किया है, बाद में और थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है फ्राई करने में। तो मैं थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ऑयल जो है कम हो गया था। इसमें फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, जो हमने अखे गरम मसाले लिए थे, सॉरी इसमें ज़ीरा भी था, मैं भूल गई। तो हम इसको थोड़ा सा चटचटाने देंगे तवे पर। उसके बाद मैं घर की जो कूटी हुई लाल मिर्च है वो ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। और यहाँ पर मेरा चिकन का मटन मसाला है, सॉरी, वो भी हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, और गैस का फ्लेम जो है लो करेंगे मसाला, ताकि हमारा जले नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कलीजी ऐड कर देंगे। कलीजी को अच्छी तरह से मतलब इसके अंदर मसाले में पकने देंगे, तुरंत ही इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से पूरी मिक्स कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा जो है हम इसमें जो कलीजी का जो शेरवा निकला था, वो शेरवा भी हम इसमें ऐड करेंगे। और आज जो है व्लॉग नहीं बना पाई मैं, इसलिए जो रेसिपी बनाई हूँ वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा मसाला और ऐड कर देंगे, मसाला कम लग रहा है तो, और हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें। हरा धनिया थोड़ा सा और बचा के रखेंगे, ताकि हम बाद में इसको गार्निशिंग के लिए यूज़ करें। आज जो है व्लॉग नहीं बना पाई मैं, इसके लिए जो है छोटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत जल्दी दो तीन दिन के बाद रमज़ान भी शुरू होने वाले माशाल्लाह, और आज थोड़ी सी तबीयत भी जो है मेरी सही नहीं लग रही थी, तो बस ये रेसिपी बनाई थी, तो मैंने सोची कि आप लोगों के साथ रेसिपी ही शेयर कर देती हूँ। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल व्लॉग मिलेगा आप लोगों को पूरा डिटेल में। तो तेल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया। पहले तेल डालना ज़्यादा हो जाता तो हम निकालने में क्या होता, हमारा तेल भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए तेल मैंने बाद में ऐड कर दिया। और यहाँ पर थोड़ी सी कलीजी और ऐड कर दी मैंने, और कलीजी का थोड़ा सा शेरवा भी जो है वो भी ऐड कर दिया यहाँ पर, ताकि ये थोड़ा सा जूसी और अच्छी बने। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी हमारी कलीजी। आप लोग भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को रमज़ान के पूरे रूटीन के व्लॉग मेरे देखने के लिए मिले। और इतनी मेहनत करने के बाद सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं, तो जल्दी जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कलर से रिलेटेड, कलर जो है किस तरह का हमारा, कितना बजट, कितना खर्चा आया, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कल के या परसों के व्लॉग में आप लोगों को डिटेल में बता पाऊँ। तो चलिए फिर, आज की जो रेसिपी है इसको ज़रूर ट्राई करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, व्लॉग के साथ एक अच्छे से। तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, फिर कल मिलेंगे वापस।